हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अगेन हम ऑनलाइन क्लासेज ऑफ शांतिनिकेतन पब्लिक स्कूल। आई एम कमिंग हियर टू टीच यू द टॉपिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन? माय डियर स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन का मीन्स होता है रूप या प्रकृति में क्या परिवर्तन। ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होता है कि किसी सेंटेंस को एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरी ग्रामेटिकल फॉर्म में क्या करना, चेंज करना, लेकिन उसके मीनिंग में, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, वो क्या होता है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मीन्स देखिए, जैसे कि ही इज वाइज, ये हमारा एक सेंटेंस है, ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है। He is not fool. वो गोरख नहीं है। तो देखिए, इन दोनों सेंटेंसों का अर्थ ये हुआ कि he is wise, वो बुद्धिमान है, he is not fool, वो गोरख नहीं है। Means वो गोरख नहीं तो वो कैसा है? He is wise, वो कैसा है? बुद्धिमान है। दोनों का सेंस कहाँ जा रहा है, अर्थ कहाँ जा रहा है, एक ही जा रहा है। तो ये क्या होगा, इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मीन्स किसी सेंटेंस की, सेंटेंस होता है उसके रूप को क्या कर देना, उसके रूप को चेंज कर देना, लेकिन उसका अर्थ न बदले, वो क्या कहलाया जाता है, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन। उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं ये स्टूडेंट, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस is to change its form to change its form. One ग्रामेटिकल वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरनेटिव its sense. So my dear student, to transform of a sentence is to change its form, one grammatical form, means a grammatical form se change karna, to another, dusri grammatical form mein, without alternative its sense, bina iske bhav ke, means iska arth kya hona chahiye, same hona chahiye, ye kya hai, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कि देखिए, कोलकाता इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, कोलकाता इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया।
तो माय डियर स्टूडेंट लुक एट द ब्लैक बोर्ड फर्स्ट एग्जांपल क्या है कोलकाता इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया कोलकाता क्या है इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया क्या एक लार्जेस्ट सिटी है भारत में कोलकाता इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया ये क्या हमारा देखिए सुपरलेटिव डिग्री हुआ ये आपका कंपैरेटिव इंटरचेंज इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव स्टूडेंट अब क्या बताऊं मैं आपको देखिए जब इंटरचेंज हुआ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव अफर्मेटिव से क्या इंटरचेंज करना है नेगेटिव में तो देखिए अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए एंटोनिम्स का यूज किया जाता है क्या किसका यूज किया जाता है एंटोनिम्स का यूज किया जाता है देखिए जैसे कि मैं आपको बताऊं यूज ऑफ एंटोनिम्स यूज ऑफ एंटोनिम्स यूज ऑफ एंटोनिम्स अफर्मेटिव टू नेगेटिव देखिए अब एंटोनिम्स का यूज कैसे किया जाता है जैसे देखिए कि वही आपका एग्जाम्पल आपका ही इज वाइज ये अफर्मेटिव सेंटेंस है कौन सा सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसका जो इंटरचेंज करेंगे तो क्या करने क्या होता है यूज ऑफ एंटोनिम्स यहाँ पे एंटोनिम्स का यूज हुआ ही इज लेकिन इसके साथ क्या हुआ नॉट का भी यूज करेंगे हम उससे पहले क्या ऐड कर देते हैं नॉट ऐड कर देते हैं एंटोनिम से पहले तो ही इज नॉट हु ये आपका इंटरचेंज हुआ अफर्मेटिव से क्या है नेगेटिव में एक और देखें
प्लीज रिमेम्बर इट, ये आपका अफर्मेटिव का सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है अफर्मेटिव का, अब इसे क्या करना है हमें नेगेटिव में चेंज करना है, तो वही प्लीज, और रिमेम्बर रिमेम्बर से रिमेम्बर रिमेम्बर का क्या होगा अपोजिट लिखेंगे, लेकिन उससे पहले नॉट इंपरेटिव इंपरेटिव में डू नॉट प्लीज डू नॉट फॉरगेट, ये आपका नेगेटिव में इंटरचेंज हो गया, मींस आई वांट टू से दैट चेंज ओनली ग्रामेटिकल फॉर्म एंड नॉट चेंज द मीनिंग, तो ये क्या हुआ प्लीज रिमेम्बर इट प्लीज डू नॉट फॉरगेट इट, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। एक और देखते हैं, he loves drinking, तो he does not hate drinking, तो my dear student ये आपकी समझ में आया होगा, he loves drinking, इसका इंटरचेंज करेंगे नेगेटिव में तो क्या करेंगे कैसे नेगेटिव बनाना पड़ेगा, अपोजिट लगेंगे अपोजिट से पहले से क्या बनाना पड़ेगा नेगेटिव बनाना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब डज, तो नेगेटिव में अफर्मेटिव में ऐसे यस का यूज होता है, नेगेटिव में डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, तो ही डज नॉट, और लव का अपोजिट क्या हुआ हेट, ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, ये आपका कुछ एग्जाम्पल है अफर्मेटिव से नेगेटिव के जो मैंने आपके सामने नोट किए हैं, पहले ने नोट कीजिए। अगर क्या होगा अब देखते हैं दूसरा प्लेस का, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ इन द अफर्मेटिव सेंटेंस यूज एलोन एंड ओनली, तो उसे जब हम ट्रांसफर इंटरचेंज करेंगे नेगेटिव में करेंगे तो उसके स्थान में क्या होगा इन प्लेस ऑफ यूज ऑफ नन, अगर हमारे सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है हमारे है एलोन और एंड एलोन राउंड भी है तो इसके स्थान पे इन प्लेस ऑफ किसका यूज हो जाएगा होगा नॉन का, नन का हम यूज कर देंगे और हमारा इंटरचेंज हो जाएगा, नन बट का यूज कर देंगे किसके स्थान पे इन प्लेस ऑफ एलोन एंड ओनली के प्लेस पे हम नन बट का यूज कर देंगे, जैसे हमारा सेंटेंस है Rita alone Rita alone secured good marks, ये क्या हमारा ये affirmative sentence लगा है, लेकिन इसमें क्या है क्या यूज हुआ है alone का यूज हुआ है, किसका यूज हुआ है alone का, तो alone तो एलन के एलन वाले सेंटेंस किसका यूज करेंगे नन बट का, तो सेंटेंस बनाइए नन बट तो एलन की जगह में अपने प्लेस ऑफ एलन यूज ऑफ नन बट देर इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस।
नॉट बट विद आर सिक्योर सिक्योर गुड मार्क्स, ये क्या हुआ आपका इंटरचेंज हो गया नेगेटिव फॉर्म में। देखो देखते हैं ओनली ए चैट आपका अफर्मेटिव से क्या हुए नेगेटिव में इंटरचेंज हुए। तो माय डियर स्टूडेंट नोट डाउन, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल दिस टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। मींस वही बात है, ट्रांसफॉर्मेशन को एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरी ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज करना है क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसकी केवल उसकी जो फॉर्म है उसमें हम क्या कर देते हैं परिवर्तन कर देते हैं, उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं।